तो चलिए हम लोग तीन आपके यूपीपीसीएस के जो दृष्टि आईएएस ने मॉडल पेपर निकाले हैं उन्हें हम तीन को देख चुके हैं। तीन, ठीक है, तीन सेट हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, ये मॉडल पेपर या कह सकते हैं सेट चौथा है। ठीक है, आप लोग एक बात और बता दूं आपको, इसमें माइनस मार्किंग होती है, ये अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। और 2 घंटे का समय होता है, ये आपको मालूम ही है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 नंबर का रहता है। ठीक है, तो माइनस मार्किंग ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ऐसा मत करिए कि 150 में 150 आप लोग ठोक के आ जाए, 150 के 50। ठीक है, 150 सॉल्व मतलब आप लगाने में, गोला लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन नंबर में आपको फर्क देखने को मिलेगा। चलिए तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। और दृष्टि आईएएस साइट पर जाकर मेन पर उस पर डली हुई है पीडीएफ, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में संलेखना, संलेखना से अभिप्राय क्या है, ये संलेखना होता क्या है जैन धर्म में। तो प्राण त्यागने की एक विधि है, प्राण त्यागने की एक विधि है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को हमें सम्मिलित करना है। सूची एक और सूची दो को क्या करना है, सम्मिलित करना है। महाभाष पतंजलि से संबंधित है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि से, कामसूत्र आप सभी जानते हैं युवात्सायन से, सौंदरानंद ए एस घोष से। तो इसमें क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन, क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। जैन धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है, अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है, और इसमें से सही कथन हमें चुनना है, तो केवल आपका दूसरा कथन सही है, यानी कि भी ऑप्शन सही है। एक बात और आपको बताऊं यहां, इस कथन को आप लोग बड़े ध्यान से एक से दो बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं इसकी वजह से। अब यहां पूछ लेता अगर कि सत्य नहीं है तो तुरंत इसका आंसर बदल जाता, समझ रहे हैं आप लोग, कि एक पूछ एक कथन होता फिर, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की पंचायत शैली से अभिप्राय क्या है, क्या मतलब इससे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा हो, ठीक है, यही पंचायत शैली है, तो चार में क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का संबंध खजुराहो उपशैली से नहीं है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का संबंध खजुराहो उपशैली से नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि कंदरिया महादेव मंदिर है, पार्वती मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन लिंगराज मंदिर नहीं है यहाँ से संबंधित। ठीक है, खजुराहो एक जगह है एमपी में, छतरपुर जिले में, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, डी ऑप्शन। अगला है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो यह यजुर्वेद का, ठीक है, किसका, यजुर्वेद का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आप सभी को मालूम होगा कि पलनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अंतर्गत द्रवी मोम विधि द्वारा निर्माण किया जाता था, क्या, ए आपका मूर्तियों को किया जाता था, मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा जो स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका घग्घर नदी के किनारे। ठीक है, ललित विस्तर 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 बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह आपका महायान, किसे, महायान, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आपको सूची एक सूची को दो को सम्मिलित करना है, ये सूची एक में रचनाएं हैं और सूची दो में आपके रचनाकार हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी आप सभी जानते हैं, पाणिनि, हर्षचरित आप सभी को मालूम होगा, विभाड़ भट्ट, राजतरंगिणी आपको मालूम होना चाहिए, कलहन, मृच्छकटिकम, शूद्रक। ठीक है,
तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग 11 में? ए ऑप्शन। क्या लगाएंगे? अष्टाध्यायी, पाणिनि, हर्षचरित, बाणभट्ट, राजतरंगिणी, कलहन, मृच्छकटिकम्, शूद्रक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसमें आप देखेंगे चिराग, बिहार, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। कौन? कपिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हिमाद्री हिमाद्री से नाम से जाना जाता है? तो किसे? बेहद हिमालय को। अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो मालूम होना चाहिए मैकाल श्रेणी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में अरुणाचल प्रदेश से होता है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिवांग नदी कहलाती है। और सही उत्तर आपको चुनना है। तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में अरुणाचल प्रदेश से होता है। एक कथन इसमें सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक यानी कि ए ऑप्शन आप सही लगाएंगे। चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो आपको मालूम होना चाहिए लैगून झील का। लैगून झील का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदी है? नीचे जो नदी दी गई है इनमें से आपको गोदावरी नदी की सहायक नदियां देखना है। प्राणहिता है, इंद्रावती है, वर्धा है, ये तीनों है आपकी। तो क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। 19 में आप डी लगाएंगे। महोगनी वृक्ष संबंधित है? महोगनी वृक्ष संबंधित है किससे? संबंधित है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? ये था अस्मक। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्ति हुई थी? कहाँ हुआ था ने? निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सम्वेद पर्वत पर। ठीक है, सम्वेद पर्वत। अगला है, बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। महायान संप्रदाय में बुद्ध की पूजा का मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। हीनयान संप्रदाय में बौद्धि शब्द की परिकल्पना की गई, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें केवल एक कथन सही है। क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन आप लगाएंगे। आगे, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में पशु बलि की निंदा की गई है? तो यह आपका पहला शिलालेख में की गई है। किसमें? पहले शिलालेख में की गई है। ठीक है, 24 में आप क्या लगाएंगे? सी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को कहा जाता था, क्या कहते थे इसे? मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायालयों को कहते थे कंटक शोधन, धर्म स्थी। ठीक है, तो एक और तीन होगा इसमें, क्या होगा? एक तीन, यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे। सही कूट आपका डी है। 25 में डी। 26 में क्या कहता है? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति। कौन था? देवहूति।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित में से किस शासक को वीणा बजाते हुए मुद्रा में पर अंकित किया गया है? तो ये आप देखेंगे समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। आगे है आपका, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। किस शासक को कश्मीर का नीरो नीरो कहा जाता है? हर्ष को। किसे? हर्ष को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन हमें चुनना है। शक संवत का आरंभ 78 ईसा ईस्वी से माना जाता है और गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी से माना जाता है। तो याद रखिए इसमें आपके दोनों कथन सही हैं और सही उत्तर चुनना है हमें, तो सी सही होगा। एक और दो दोनों सही। सूची सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में परियोजना है और सूची दो में नदी है आपकी। क्या है? परियोजना नदी। इस तरह के क्वेश्चंस भी अधिक कई बार आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। माता टीला परियोजना, बैधवा नदी, आप सभी को मालूम होगा। हीराकुंड परियोजना, महानदी, टेहरी परियोजना, भागीरथी नदी, और जवाहर सागर परियोजना, चंबल नदी। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? डी। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बैधवा। हीराकुंड, महानदी, टेहरी परियोजना आपकी भागीरथी नदी, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी। देखिए मुझे लगता है ऐसा, अब आपका तो पता नहीं कि आपको क्या लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कि तुक्का टोक के हम लोग निकाल ले पेपर, क्योंकि आप सोचिए कि यहाँ आपका तुक्का मुझे लगता है कभी एक तरह से सूट करेगा। हाँ चलिए ये तीन ऑप्शन आपको पता है, एक आध नहीं है तो आप तुक्का घाल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप राम भरोसे घाले मुझे संभव नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के आप लोग सॉल्व किया करिएगा। ये आपके लोएस्ट केंद्र हो गए और ये राज्य हो गए। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। नोवामुंडी, नोवामुंडी कहाँ है? ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। नोवामुंडी झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिल्लारी, ये बिल्लारी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा कर्नाटक में, ठीक है। और गुरु महिसानी, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको उड़ीसा में। और बेलाडीला, ये बेलाडीला आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। नोवामुंडी झारखंड, गुरु बिल्लारी, ये आपका बिल्लारी कहाँ? कर्नाटक। और गुरु महिसानी, ये कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा। बेलाडीला कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़। इन्हें याद रखिए, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है। इसे आप लोग डाउनलोड कर लें और आराम से बैठे बैठकर आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। सूची एक सूची दो, ये आपकी जनजाति है और राज्य संबंधित किन राज्य में, ठीक है। तो बुक्सा, बुक्सा जनजाति कहां से संबंधित है? ये आपको उत्तराखंड से, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड। कोल जनजाति मध्य प्रदेश। टोडा जनजाति तमिलनाडु। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? 33 में बी। 33 में क्या लगाओगे? बी, क्योंकि आप जानते हैं बुक्सा जनजाति उत्तराखंड, कोल जनजाति मध्य प्रदेश, टोडा जनजाति तमिलनाडु, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बित्तू कहाँ है? तो आप सभी को इतना तो मालूम होना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो आप समझिए कहाँ किपतू है? अरुणाचल प्रदेश में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसे कथन ए कहा गया है एक को और दूसरे को कारण आद। तो जैविक कृषि पर्यावरण अनुकूल पद्धति है, कारण आद। क्या कह रहा है? जैविक कृषि के अंतर्गत जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर में चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें ए सही होगा आपका।
ए कथन सही है और आर कारण आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 35 में क्या लगाएंगे आप लोग? ए ऑप्शन। अगला है 36, क्या पूछ रहा है 36? भाबर प्रदेश के दक्षिण दक्षिण का दलदली क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? भाबर प्रदेश का दक्षिण का दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका तराई। तराई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। काली मृदा मिट्टी उत्तरी कर्नाटक सही है। लेटराइट मृदा ये आप देखेंगे केरल में, बिल्कुल सही है, ये भी सम्मिलित है आपका। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, ये भी सही है। लाल पीली मृदा मणिपुर, ये गलत है आपका, यानी कि डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग इसमें, क्योंकि सही नहीं है पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल का बीहड़ प्रदेश किस प्रकार के अपर्दन का उदाहरण है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह है अवनालिका अपरदन का, या डाकुओं की शरण स्थली भी रहती है, आप लोग देखते रहते हैं पान सिंह तोमर, आप लोगों ने देखी भी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? निम्नलिखित कंपनियां जो नीचे दी गई हैं, इसमें आपको नवरत्न कंपनी बताना है, क्या बताना है? नवरत्न कंपनी। तो इसमें आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपकी नवरत्न कंपनी में, ठीक है, मिनी रतन, नवरत्न, महारत्न, ठीक है। तो इसमें 39 में क्या लगाएंगी? सी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन चुनना है हमें और सही उत्तर चुनिए आप लोग। तो सही क्या है आपका? क्षुद्र ग्रह मंगल व शनि के मध्य विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो इसमें केवल आपका दूसरा है, केवल दूसरा है, ठीक है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह आप देखते थे मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी है आपका 40 में आपका भी है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन आपको चुनना है, सही उत्तर चुनना है आपको सत्य कथन। किताब उल रेहला को इब्न बतूता द्वारा फारसी में लिखा गया, बिल्कुल गलत है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया, बिल्कुल सही है, केवल दूसरा, यानी कि इसमें भी आपका 41 में बी होगा, 41 में क्या होगा? बी। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किस भारतीय शासक के द्वारा हुई थी? मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किस भारतीय शासक द्वारा हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था, और दूसरी बार क्या हुआ था कि ये पराजित हो, ये जीत गया था, ठीक है। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाखबख्श कहा जाता है, यानी कि ये दानी था बहुत बड़ा, तो आपको मालूम होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने को, ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई? दीवान ए बंदगान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कृष्णदेव राय की। आप लोगों को मालूम होगा कि पुर्तगाली हमारे भारत में सबसे पहले आते हैं और लास्ट में सबसे बाद में जाते हैं लोग, आप देखते हैं ग्वादबंद द्वीप पर, यहाँ इनका शासन आप सोचिए 1961 तक बना रहता है, 1961 में हम लोग यहाँ से खदेड़ते हैं, ठीक है। तो एक कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, एक सूची एक में आपकी पुस्तक दी गई है, सूची दो में लेखक है, ठीक है। तारीख ए फिरोजशाही, जियाउद्दीन बरनी, तबकाते नसीर नासिरी, मिनहाज उस सिराज, किताब उल रेहला, इब्न बतूता, तारीख ए तारीख उल हिंद अल बरनी। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? बी ऑप्शन। तारीख ए फिरोजशाही किसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। तबकाते नासिरी की लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, ठीक है। किताब उल रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। और तारीख उल हिंद के अल बरनी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए कूटों में से।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा नीति उत्तर प्रदेश राज्य ने लागू की थी, ये भी सही है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। क्या है? दोनों कथन सही हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात जिला आप लोग देखते होंगे कि गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर गौतम नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की धार्मिक नीति 16 कुल की नीति पर आधारित थी? अकबर। ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। निम्नलिखित में से भूकंपीय तरंगों में कौन सर्वाधिक विनाशकारी है? आपको मालूम होगा कि एल तरंगे। ठीक है। बरखान स्थलाकृति का निर्माण होता है किससे होता है? बरखान स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है? ये होता है पवन से। ठीक है। इन्हें भी आप लोग बड़े से याद रखिए, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोग एक बार क्या किया ना कि अब की बार चलिए ठीक है नहीं किया है आप लोगों ने, तो अगली बार आप जब भी यूपीपीसीएस दे रहे हो तो कम से कम उसमें उस साल में आप लोग 2 बार पुराने पेपर उठा के जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आपको इससे अंदाजा मालूम चल जाता है कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम देना है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी स्थानीय पवन है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बोरा। कौन सी? बोरा। सार्गेसो सागर स्थित है, सार्गेसो सागर कहां स्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहां? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग कहां है? ये आपको देखने को मिलेगा कहां? राइन नदी, राइन नदी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ये नेशनल पार्क हो गए, स्थान हो गए। ठीक है। और ये पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो एक नहीं होगा इसमें सम्मिलित, तो बाकी आपके सम्मिलित होंगे। केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क असम में नहीं है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन होगा। सबरीमाला नेशनल पार्क केरल, आपने सबरीमाला कुछ समय पहले विवाद भी देखा होगा, ये भी केरल से संबंधित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? ए ऑप्शन। क्यों लगाओगे? क्योंकि सही सम्मिलित नहीं पूछा, सम्मिलित नहीं है तो ये सही है इसमें। ठीक है। बड़े ध्यान से पढ़ना, फिर बोल रहा हूँ बार बार मैं। ठीक है। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़ लिया करेगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कि आते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और बहुत सरल क्वेश्चंस रहते हैं फिर भी हम लोग हड़बड़ा जाते हैं। जिस तरह से मेरी आज आपको आवाज भी हड़बड़ा रही है, क्योंकि पता है एक चाय को लत मत बनाइए कभी, ये चाय जब तक नहीं मिलती है, अगर आप थोड़ा सो लें उसके बाद अगर चाय नहीं मिली तो आप पूरी तरह से देश दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं। चलिए खैर छोड़िए, आप इसे खत्म करने के बाद वो भी हम पूरी इच्छा कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अबुलहास जलधारा नहीं, इसमें कनारी जलधारा है, लेब्राडोर जलधारा है, बेंगुइला जलधारा है। ठीक है। तो इसमें 57 में आपका बी होगा। क्या होगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवात के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, बिल्कुल सही है ये। चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है, ये भी सही है। चक्रवात के आने पर वायुदाब तेजी से बढ़ने लगता है, सी गलत है आपका। चक्रवात का आकार गोलाकार, अंडाकार और भी आकार का होता है, तो ये भी सही है आपका। तो इसमें कौन सा लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन। क्या पूछ रहा है? चक्रवात के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, तो 58 में सी लगाएंगे आप लोग। संवहनीय वर्षा किस जलवायु जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो ये है आपकी विषुवतीय, विषुवत रेखीय जलवायु, तो बी ऑप्शन आप सही है, बी लगाएंगे। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नागरिकता के अधिकार का विनियमन कर सकती है? तो अनुच्छेद 11। अगला है, संविधान की विस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता आदर्शों को फ्रांस की क्रांति
से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर आपको सही चुनना है। क्या करना है? उत्तर सही चुनना है। तो आपके दोनों सही हैं, एक भी सही है और दूसरा भी आपका सही है। तो क्या लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन, ठीक है, 61 में सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है? तो ये आपको मालूम होगा, मुझे लगता है कि ये तो इस तरह के मालूम रहना चाहिए, अनुच्छेद 20(2) में, अनुच्छेद 20(2) में, ठीक है, सुरक्षा मिलती है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गांधीवादी तत्वों के दर्शन होते हैं? तो ये अनुच्छेद 40, क्योंकि पंचायतों से संबंधित है। आप समझिए कि पंचायतों का उल्लेख गांधी जी बहुत इसके पक्ष में थे, और आप सोचिए गांधी जी कुछ समय तक और जिंदा रहते तो उसी समय हमें संविधान में पंचायतों को जगह भी दिला देते, जो आप देखते हैं 1992-93 में जाकर मिलता है, ठीक है। तो 40, ठीक है, डी ऑप्शन आपका कैसा है? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये आप देखेंगे शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह उपबंध संविधान में किसमें किया गया है? तो आपके मूल कर्तव्य में। लेकिन हम लोग कब करते हैं? आप देखते हैं कि जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकारी संपत्ति को जलाते हैं, तोड़ते हैं, यानी कि हम लोगों को अपने मूल कर्तव्यों के बारे में ही मालूम नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि आप समझिए कि आप अगर हमारे देश में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार सबको पता चल जाए और वो इसका अच्छे से यूज करें, तो आप सोचिए देश हमारा कहां से कहां पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, राज्यसभा व लोकसभा में निर्वाचित सदस्य। देखिए क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और आप लोगों ने पुराने तीन, हम लोगों ने अगर मॉडल पेपर आपने देखे हैं तो पहले बात भी कर चुके हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, नीचे आप लोग लिखिए कमेंट में, ठीक है। दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा के मनोनीत सदस्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग उत्तर सही उत्तर चुनिए आप लोग, चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, बाकी सभी लेते हैं। एक बात और आपको बता दूं, यहां देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित, एक पॉइंट यहां याद रखें, निर्वाचित शब्द आपको याद रखना है, भाग लेते हैं। लेकिन जब इस पर महाभियोग यानी कि हटाने की प्रक्रिया रहती है तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत तो और आपके निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि विरोध भी होता रहता है कि हमें चुनने का अधिकार दिया गया है लेकिन विधानसभाओं को हटाने का अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि भाग नहीं लेते, ये पूछ रहा है। अगर भाग लेते हैं तो आप देखते हैं कि 1 और 3 होता। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार क्या है? 165 में किसका उल्लेख है? तो आप देखेंगे राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। 67 में आप सी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। लेकिन आप देखेंगे 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतनी सीटें ही नहीं मिली कि विपक्ष का नेता बनने लायक, ठीक है। आगे है आपका सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। आपको क्या करना है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं और अनुच्छेद है, रिट अधिकारिता, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 32 में, ठीक है। और फिर आप देखेंगे अभिलेख न्यायालय तो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 129 के तहत। फिर आपको देखने को मिलेगा मूल अधिकारिता, तो ये है आपका अनुच्छेद 131। और फिर आप देखेंगे सलाहकारी अधिकारिता, तो ये है आपका अनुच्छेद 143 में, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन। इसे आप लोग डाउनलोड कर लें, उसके बाद पढ़ते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां से वहां हमें पलटना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु आयोग के गठन का उपबंध करता है? तो आप देखते हैं आर्टिकल 338, ठीक है।
तो इसमें 70 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। आगे है, किस संविधान संशोधन द्वारा उपचुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में। पहले आप 21 साल के हुआ करते थे तभी आपको वोट देने का अधिकार था, लेकिन उसे घटाकर आप जानते हैं कि 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन चुनाव लड़ने की आपको अगर सरपंच भी बनना है तो 21 साल होनी चाहिए आपकी, लेकिन वोटर की आईडी कितनी? 18 साल। तो 71 में आप सी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सही है? ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। क्या चुनना है? सही उत्तर। तो केवल एक सही है इसमें। क्या है? केवल एक सही है इसमें। एक बात और बता दूं, जो संयुक्त बैठक होती है ये इसे बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। 72 में ये है आपका। अगला क्वेश्चन है आपके, सूची एक सूची दो समनीय अपराध। समनीय अपराध का मतलब क्या होता है? मामले को आपसी समझौते से निपटाने की छूट। असमनीय अपराध, दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते और ना ही इनमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है। असंघीय अपराध, बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं है। संघीय अपराध, कार्रवाई के लिए पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। समनीय अपराध का मतलब होता है कि इसमें मामले को आपसी समझौते से निपटाने की छूट मिलती है। असमनीय अपराध में क्या रहता है कि दोनों पक्ष कोई समझौता नहीं कर सकते और ना ही इनमें अभियुक्त को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है। असंघीय अपराध की बात करूं तो बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, लेकिन संघीय अपराध की बात करें तो कार्रवाइयों के लिए वो पुलिस को न्यायालय की न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आप 73 में क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पिछन बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और सही उत्तर आपको चुनना है कूटों का, नीचे कूट इनका उपयोग करते हुए। औद्योगिक क्षेत्र में पिछन बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है, इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो एक कथन सही नहीं है आपका, लेकिन दूसरा जरूर सही है। तो इसमें 74 में आपका बी, 74 में बी। एक कृषि में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति ने निर्धनता मापन हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग के आधार पर बनाने की सिफारिश की थी? तो ये थी आपकी डॉक्टर वाई के अलग समिति, यानी कि 75 में आपका ए होगा। हेलीकॉप्टर मनी किसे अभिप्राय क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है हेलीकॉप्टर मनी का, क्योंकि इसे भी आप लोग काफी बार चर्चा में सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है एक प्रकार की अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है, ठीक है। 76 में क्या लगाएंगे? सी आप। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास समेकन सम्मेलन इसे जारी करता है, ठीक है। 77 में क्या है? डी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आपको उत्तर चुनना है। योजना का लाभ व्यापारियों व स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को मिलेगा। केंद्र सरकार व लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला अंशदान 50:50 में होगा। पेंशन का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा। इसमें आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? 78 में आपका डी होगा, तीनों। आगे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 की बात है। निम्नलिखित मुद्रा पूर्ति मापों में से किसे व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए ए है M3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स,
तो इसमें आयकर भी देखेंगे, निगम कर भी देखेंगे, लेकिन सेवा कर नहीं है इसमें शामिल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सही उत्तर चुनना था आपको, तो 81 में ए लगाएंगे। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। इसमें क्या रहता है कि आपकी क्रय क्षमता घट जाती है, मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है पूछा है, जनसंख्या वृद्धि ये है, आय में कमी ये नहीं है आपका, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, औद्योगिक उत्पादन में कमी, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, बी, क्योंकि कारण नहीं है पूछ रहा है, तो 82 में आप बी लगाएंगे। 83 है, अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधार बजटिंग शुरू हुआ था कब, ये हुआ था आपका 1987-88 में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही कथन चुनना है इसमें, ठीक है। सत्य कथन कौन सा है इसमें, विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थ यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाना था, विद्रोहों का उल्लेख बंकिम चंद चटर्जी लिखित के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में हुआ है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है आपके। 84 में आप क्या लगाएंगे, सी, 84 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फारसी में था, किसमें, फारसी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, कैनिंग से समय, ठीक है, बी ऑप्शन आपका 86 में सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने, 87 में क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, निम्नलिखित में से किसे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो आपको मालूम होगा कि आगा खान को, ठीक है, आगा खान को, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कथन आपको चुनना है। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल की तर्ज पर था, बिल्कुल सही है। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा रखा गया, ये भी सही है। भारत में इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने की थी, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आप डी चुनेंगे, क्योंकि तीनों कथन इसमें आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी द्वारा किस अखबार का प्रकाशन किया गया था, तो ये है आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खिलाफत कमेटी की अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई थी, तो ये आपका महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, काकोरी कांड, कानपुर षड्यंत्र, सांडर्स की हत्या और लाहौर षड्यंत्र केस, इन्हें आपको क्रम से लगाना है एक तरह से। तो इसमें आप देखेंगे कानपुर षड्यंत्र, उसके बाद काकोरी कांड, उसके बाद सांडर्स की हत्या, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, पहले कानपुर षड्यंत्र, फिर काकोरी कांड, फिर सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ये संक्रमिका कहलाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी संगठक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी संगठक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, तो ये आप देखेंगे हरे वृक्ष और हरित शैवाल है, ठीक है, एक और दो, यानी कि 94 में आप सी लगाएंगे, ठीक है, सही है। अगला है, प्रवाल भीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रवाल में रन जू जेंथिली के कारण होता है, प्रवालों को समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है, समुद्री समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही तो चुनना है, तो इसमें एक और दो दोनों आपके सही है, क्या है 95 में, सी।
कि प्रवाल में रंग जू थैन थैन थिली, माफ करिए, जू जैन थिली के कारण होता है। प्रवालों को समुद्र का वर्षा बन कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता से अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है इससे? तो याद रखिए, शीतकाल को सुसुप्त अवस्था में बिताना, यानी कि 96 में बी ऑप्शन है आपका, 96 में क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को आपको सम्मिलित करना है, राष्ट्रीय पार्क पाए जाने वाले जीव हो गए, ठीक है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपको हंगोल देखने को मिलेगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेगा, केबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या देखने को मिलेगा, संगाई हिरण, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे आप 97 में, सी। क्यों लगाएंगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखने को मिलता है, हंगुल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखने को मिलता है, साइबेरियन क्रेन, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखने को मिलता है, संगाई हिरण, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर, ठीक है। अगला है, डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या है सही कथन आपको चुनना है इसमें। इस विधेयक के अनुसार डीएनए डेटा का प्रयोग तथा डीएनए का संग्रहण शामिल है, गिरफ्तार व्यक्तियों हेतु 7 वर्ष तक की सजा पाने वाले अपराधी व्यक्तियों से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस विधेयक में डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्या है, तीनों कथन आपके सही हैं। याद रखिए, जब तक इस पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिलती है तब तक ये विधेयक ही रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जब तक रहते हैं विधेयक ही कहलाते हैं, जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं वो एक तरह से आपका अधिनियम में बदल जाता है, तो इसमें आपका डी लगाएंगे 98 में, ठीक है। 99 अगला क्वेश्चन है, जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन आपको चुनना है, क्या करना है, सही कथन आपको चुनना है। जर्म लाइन जीन थेरेपी जनन कोशिका में जीन संशोधित कोशिकाओं को समाविष्ट करने से है, जनन कोशिका जीन थेरेपी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित हो सकते हैं, जर्म लाइन जीन थेरेपी नैतिक और सामाजिक विचारधाराओं के कारण भारत में निषिद्ध है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनना है, तो इसमें आपका डी है, यानी कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है, तीनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए दो कथन दिए गए आपकी, जिसे कथन ये नाम दिया गया और कारण आर दिया गया है, कथन ये क्या कह रहा है, कथन ए क्या कह रहा है, काला कार्बन प्रकाश का अवशोषण करने वाला प्रबल पदार्थ है, कारण आर काला कार्बन हिम तथा बर्फ पर जमाव द्वारा पृथ्वी के एल्विडो में वृद्धि करता है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर आपको चुनना है, तो इसमें 100 में क्या देखेंगे आप लोग, सी, कथन ए सही है लेकिन किंतु कारण आर गलत है, काला कार्बन विकास का अवशोषण करने वाला प्रबल पदार्थ है, ए सही है और आर आपका गलत है, 100 में आपका सी। आगे है आपका अर्थ आवर के अंतर्गत है, अर्थ आवर के अंतर्गत ए क्या है, तो आप देखेंगे सभी गैर जरूरी लाइट्स के एक लाइट्स 1 घंटे के लिए बंद कर देना, ठीक है, 101 में आपका डी होगा। किस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया, तो ये आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। डाब्सन द्वारा किसकी मात्रा को व्यक्त किया जाता है, तो आपको मालूम होगा वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को। सोमेटिक सेल कायिक कोशिका जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन चुनना है, क्या चुनना है, सही है। यह थेरेपी रोगी में केवल लक्षित कोशिकाओं ऊतक अंगों को प्रभावित करती है, इसमें क्रिस्पर और अन्य तकनीकों से संबंधित जीनोम संशोधन भी शामिल है, यह भारत में वैधानिक है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही है, 1, 2, 3 सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, लेकिन प्लेटिनम नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, डी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि इस तत्व रेडियो तत्व नहीं है तो प्लेटिनम नहीं है। खट्टे दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, आपको मालूम होगा कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सूची एक सूची दो को आपको सम्मिलित करना है, विटामिन दिए गए, इनके रासायनिक नाम दिए गए, विटामिन और रासायनिक नाम,
इसमें क्या करना है आपको कि सुमेलित करना है विटामिन और रासायनिक नाम है इनके, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको मालूम होना चाहिए कि टोको फेरोल है, माफ करिए टोको फेरोल नहीं, इसमें इसका विटामिन ए का सही नाम क्या है? विटामिन ए का सही नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का, B1 का थायमिन है। विटामिन डी का इसमें कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का टोकोफेरोल है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन 107 में बी, क्योंकि विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन डी ये आपको कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ह्यूमन एटलस पहले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि आपको सही कथन आपको चुनना है, इनमें से क्या करना है? सही कथन चुनना है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक साहित्य और सार्वजनिक डेटाबेस से आणविक और कोशिकीय ऊतक तथा जैविक स्तर पर डेटा का संकलन, संग्रहण और विश्लेषण से है। इससे शारीरिक और आणविक मानचित्रण, दवाओं की खोज, अनुकूलित एवं व्यक्तिगत औषधि, छात्र समुदाय के कौशल विकास तथा भविष्य के अनुसंधान में मदद मिलेगी। ये भी आपका सही है। इस पहल की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग से की जाती ने की है, तो ये भी सही। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। इसमें आगे है आपका क्वेश्चन, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें भी आपको सही ही कथन चुनना है। इस परियोजना का उद्देश्य व्यापक स्तर पर जीनोम डेटा के एकत्रण, विश्लेषण, रख रखाव, उपयोग और संचार के क्रम में स्वदेशी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। इस परियोजना से प्राप्त परिणाम दुर्लभ अनुवांशिक रोगों का तीव्र और कुशल निदान प्रदान करना है। नीचे दिए गए कूट का उत्तर सही आपको चुनना है, तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? इसमें हमें विचार करना है। विटामिन ए की अल्पता को दूर करने हेतु अनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया एक चावल है। बिल्कुल बिल्कुल क्या है? ये बिल्कुल सही है। इसमें मक्का और बैक्टीरिया मूल के एक एक आंतरिक जीन होते हैं, जो कि साथ मिलकर चावल के दोनों में प्रोटीन ए बीटा कैरोटीन का उत्पादन करते हैं। ये भी आपका सही है। और पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसे 3 महीने से अधिक समय तक संग्रह करके नहीं रखा जाता ना चाहिए, तो ये भी सही है आपका। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें आपका 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देखेंगे ईसरो द्वारा गगनयान नामक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान की सहायता से व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। व्योम मित्र इसरो इसरो के सहयोग से विकसित एक महिला रोबोट है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है, तो इसमें आपके दोनों कथन सही है। ले आप जानते हैं कि इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सभी उपभोक्ताओं हेतु आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, या धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों से भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको चुनना है, तो इसमें भी आपका दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? ओसाका जापान, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओसाका जापान। आगे है, रॉबर्ट फर्स्ट किस देश का पहला उपग्रह है जिसे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो ये है आपका श्रीलंका का। याद रखिए इसे, आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि रावण कहाँ से संबंधित था? श्रीलंका, ठीक है, लंका, तो इसलिए। फिर आप देखते हैं कि IPL 2020 का मेजबान देश है, IPL 20 यानी कि 2020 का मेजबान देश कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा UAE, ठीक है। फिर आप देखेंगे कालीस्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत कावेरी नदी का जल समुद्र तल से 100 मीटर लिफ्ट पर करमेडिक गड्ढा बांध तक पहुंचाया जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, तो इसमें केवल एक सही है। क्या है? इसमें केवल आपका एक सही है। क्या सही है?
यह दुनिया का सबसे मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। एक ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे 117वां क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा से संबंधित किस ऑपरेशन की शुरुआत भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी व फारस की खाड़ी में की है? तो ये आपका कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये कौन थी, तो ये है पीवी सिंधु साहब, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 पाने वाली दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो आपको मालूम होगा कि दीपा मलिक किस किस खेल से संबंधित है, पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। टी ओ आई 270 से अभिप्राय क्या है, ये क्या है आखिर? तो याद रखिए ये आपका ग्रही प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत में 324 संभावित स्थलों को विषाक्त पदार्थों से प्रभावित बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संदूषित स्थलों में प्रथम स्थान है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। फिर आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? इस संगठन का लक्ष्य जैव विविधता एवं प्रकृति का संरक्षण करना है। इसका लोगो लोगो गेट ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो इसमें केवल एक सही है आपका, क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर आपका 4A लिविंग प्लेनेट पर्यावरण से संबंधित किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्लोगन है? तो ये आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित जीवों में से कौन एक गंभीर संकटग्रस्त नहीं है? तो याद रखिए नील गाय नहीं है, ठीक है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल और बंगाल फ्लोरिकन है, लेकिन इसमें नील गाय नहीं है, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, डी, ठीक है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में आपके जैव मंडल दिए गए, जैव मंडल रिजर्व, और सूची दो में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, तो ऐसे आपको मिलाना है एक तरह से। नोकरेक ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, डिब्रू सिखुआ ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा असम में, देहांग दिबांग ये आपको अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, इसमें लगाएंगे आप लोग ए ऑप्शन, यानी कि नोकरेक मेघालय, डिब्रू सिखुआ असम, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन की मात्रा में वृद्धि करती हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही आपको उत्तर चुनना है इसमें से। तो इसमें आपका श्वसन भी है और ज्वालामुखी क्रियाएं, ठीक है, तो एक और दो रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन आप लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को आमों का नगर के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि एक तरह से उपनाम इसका, किस नगर को आमों के नाम से जानते हैं आप लोग? तो आपको मालूम होगा कि मलिहाबाद, किसे, मलिहाबाद को आमों के नगर के नाम से जानते हैं। यूरिया उर्वरक कारखाना इफको स्थित कहाँ है, ये आपको देखने को मिलेगा बरेली में, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ऊंची प्रतिमा 63 फीट का अनावरण किया गया है? ये आप देखेंगे बनारसी में। आप जानते हैं कि देखिए राजनीति होती रहती है इन पर, ठीक है। फिर आप देखेंगे भारत बंद स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है 2 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, 130 में आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये नित हो गया और छित हो गया, ये तो घड़ा नित, घड़ा नित, ब्रज चित से जोगनी नित अवध चित से, और तमाशा नित पूर्वांचल, ये आपका एक सी गलत है, धुरिया नित बुंदेलखंड, तो इसमें सही क्या है, घड़ा नित ब्रज चित से, जोगनी नित अवध चित से, धरिया धुरिया नित ये आपका बुंदेलखंड से है, लेकिन तमाशा नित पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, तो इसमें आप सी लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, सी। और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सनराइज मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, सनराइज मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, तो 132 में आप बी लगाएंगे।
निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस वर्षा वनों की संरचना और विविधता को भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वर्षा वनों के समान पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मेघालय वर्षा वन, मेघालय वर्षा वन 133 में आपका डी रहेगा। 14 दिसंबर 2019 को भारत और श्रीलंका के मध्य युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, इसका नाम क्या है? तो याद रखिए इसका नाम है मित्र शक्ति। ये आप समझिए कि ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट इस संबंधित है, किससे संबंधित है ऑपरेशन क्लीन आर्ट? तो ये आपको देखने को मिलेगा नेवले के बालों से बनने वाले ब्रश के व्यापार को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है। तो 135 में आपका बी ऑप्शन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा नदी के तट पर बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपका है वाराणसी। कौन सा? वाराणसी, यानी कि वाराणसी। हाल ही में चर्चा में रही टेनेबू कला का संबंध किस देश से है? तो इसका है जापान से। किससे? जापान से। निम्नलिखित में से किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मालूम होगा कि अक्कीतम अच्युतन नंबोदरी को, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नियोन है, नियोन क्या है? नियोन ये विश्व का पहला कृत्रिम मानव है, ठीक है। कृत्रिम मानव, आप समझिए कि मानव को भी बना देंगे कुछ दिन में। हाल ही में चर्चा में रहा महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां? गोवा में, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही आपको उत्तर चुनना है इसमें से। क्या है इसमें? इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया, इस वर्ष 3 नई अर्थव्यवस्थाएं कुवैत ग्रीस डोमिनिकन गणराज्य को इस सूचकांक में शामिल किया गया। तो इसमें केवल 2 कथन सही है, लेकिन एक इसमें गलत है आपका, ठीक है। 141 में आप क्या लगाएंगे? बी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस मध्य पूर्व रिस्पिरेटरी सिंड्रोम तथा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हेतु उत्तरदायी है? तो इसमें आप देखेंगे कोरोना वायरस, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरपोकलिप्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये आप देखेंगे कौन सा है, लोंगलेई मिजोरम का है, ठीक है। 143 में आपका बी लगाएंगे। मुक्तो सिरु है, मुक्तो सिरी क्या है? ये आपको देखने को मिलेगा चावल की एक नई किस्म है, ठीक है। फिर आप देखेंगे फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 की में किस घोषणा को अपनाया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह है आपका लखनऊ घोषणा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2020 में किन सैंधव सभ्यता के स्थलों को स्थानीय संग्रहालयों सहित प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें आपका राखागढ़ी शामिल है, धौलावीरा शामिल है, ठीक है, लोथल शामिल नहीं है। तो इसमें आपका सी होगा, 1-3। आगे है आपका नगोबा जात्रा एक आदिवासी त्योहार है या किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। आप जानते हैं 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। दनाकिल डिप्रेशन की अवस्थिति है उत्तर पूर्वी इथोपिया में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव का संबंध है नदी उत्सव से, किसके? नदी उत्सव से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। काला पानी विवाद हाल ही में किन 2 देशों के मध्य चर्चा का विषय रहा है? तो याद रखिए भारत और नेपाल के बीच आपने देखा है काफी विवाद रहता है, इस पर अभी कोई इसका समाधान भी नहीं निकला है, ठीक है। तो ये था आपका 4th मॉडल पेपर। एक और बचता है, उसे हम लोग कुछ समय बाद खत्म कर देंगे और खत्म है, ठीक है।